हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार चुनाव 2020 के बारे में, जहां पर बिहार चुनाव 2020 के लिए आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया। और आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र के दौरान कई बड़े मुद्दों को शामिल किया है। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं लालू यादव की पार्टी आरजेडी के घोषणा पत्र की जानकारी, जहाँ पर किसानों के कर्ज माफी का ऐलान आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में कर दिया है। गरीबों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता राजद की सरकार बनने पर दिया जाएगा, इसको लेकर भी लालू यादव की पार्टी ने ऐलान कर दिया है। वहीं कुछ खास मुद्दों का ऐलान किया है जो कि राजद ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिए हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे बिहार चुनाव 2020 के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से जारी हुए घोषणा पत्र के बारे में पूरी जानकारी। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि लालू यादव की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को कैसे और कौन कौन से मुद्दों को शामिल करके जारी किया है। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी आपके काम के और इसी प्रकार की हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र के बारे में पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार चुनाव 2020 का रण पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और बिहार में कुछ बड़ी पार्टियां, इन्हीं में से एक पार्टी है आरजेडी, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय जनता दल। और ये पार्टी है लालू यादव की, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक बहुत ही बड़ा घपला किया था, जिसी के चलते वो अभी जेल में चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कमाल संभाल के रखिए। तो दोस्तों, बात करते हैं तेजस्वी के आरजेडी की ओर से हुए घोषणा पत्र के बारे में, जहां पर आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आज नौकरी और कर्ज माफी समेत ये बड़े वादे किए, और पूरी तरह से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तेजस्वी ने बड़े बड़े मुद्दों को शामिल किया अपने घोषणा पत्र में। तो राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। पटना में तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है, और राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह से अंबानी कमर कसी है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए। और ऐसा घोषणा पत्र में देखने को भी मिला है, जहां पर घोषणा पत्र में पार्टी ने बेरोजगारों से कई वादे किए। इसमें आरजेडी ने कहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे, और 10 लाख नौकरी देने के अपने पुराने बयान को दोहराया भी है घोषणा पत्र के दौरान। इसके अलावा पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा कर दिया है। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी आवेदन शुल्क यहां पर आप सभी के लिए किसी प्रकार की नौकरी का फॉर्म भरते हुए माफ किया जाएगा, इसको लेकर भी ऐलान देखने को मिला है अपने घोषणा पत्र में आरजेडी की ओर से। तो चलिए अभी हम संपूर्ण बात आपको विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार आरजेडी ने यानी लालू यादव की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया, और किस प्रकार जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है आरजेडी की ओर से। तो सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी, यानी आरजेडी की ओर से एक बहुत ही बड़ा प्लान खेला जा रहा है जनता को लुभाने के लिए। और सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर युवाओं को अपनी और बिहार की जनता को उभारना चाहती है, अपनी ओर लुभाना चाहती है, यहां पर आकर्षित करना चाहती है। ये बहुत ही बड़ा दाव चला जा रहा है आरजेडी की ओर से। इसके अलावा आरजेडी ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा भी कर दी है, यानी कि आपको पता ही होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में दोस्तों, हर जगह जाएंगे तो यहां पर किसान बहुत ही बड़े फैक्टर रहेंगे चुनाव जिताने के लिए, और ऐसे में आरजेडी ने भी किसानों को लुभाने के लिए भरसक प्रयास, और इसी के लिए किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान भी घोषणा पत्र में कर दिया। आरजेडी ने यह भी वादा किया है कि नए उद्योगों के लिए नई नीति लाई जाएगी, यानी कारोबारियों को भी समझा गया है आरजेडी की ओर से, पूरी तरह से कारोबारियों पर ध्यान दिया गया है, जहां पर नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसको लेकर भी कारोबारियों को छूट देने का वादा किया गया है। वहीं दोस्तों, संविदा शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी, यहां पर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिला है आरजेडी की ओर से, यानी
मिलाकर लालू यादव की पार्टी ने बड़े बड़े मुद्दों को अपनी ओर पूरी तरह से कस लिया, लगाम लगा ली और उन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। हालांकि बिहार की जनता बता देगी 10 नवंबर 2020 को कि किस प्रकार किसको वोट दिया और किस प्रकार किस सरकार बनी है। हालांकि उससे पहले आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया, रिलीज किया है, जहां पर बड़े बड़े मुद्दों को शामिल किया है। वहीं दोस्तों आरजेडी ने किसान आयोग, व्यावसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जाएगा, इसको लेकर भी वादा किया और घोषणा की है। वहीं राज्य की जीडीपी का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ा ऐलान देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर यहां पर पूरी तरह से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्लान बना लिया है, किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने का घोषणा पत्र में आरजेडी ने प्लान बना लिया है। वही दोस्तों आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र के दौरान गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा, सीसीटीवी लगाए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर गांवों की तरफ, ग्रामीण लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है आरजेडी की ओर से, क्योंकि चुनाव जीतना। इसके अलावा बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 400 रुपए प्रतिमाह बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा, यानी गरीब लोगों को यहाँ पर भी फायदा, बुजुर्ग लोगों को यहाँ पर फायदा और कुल मिलाकर आरजेडी यहाँ पर भी पूरी तरह से इस फैक्टर को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। वही किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था की जाएगी और आपको पता होगा कि फिलहाल देश में किडनी के रोगी बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बिहार भी एक किडनी ग्रस्त राज्य और इसी प्रकार दोस्तों किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था करने की बात कर दी है यहां पर आरजेडी ने। वहीं दोस्तों हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का गठन किया जाएगा, जिससे युवाओं को फायदा होगा। वहीं 50 साल का उम्र पूरा कर चुके सरकारी कर्मचारी जो ठीक परफॉर्म नहीं कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सेवानिवृत्ति दी जाएगी, ये यहां पर पुराने सरकार के आदेश से जो कि वापस लिया जाएगा, ये भी आरजेडी ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया अपने घोषणा पत्र में। और इस प्रकार से ये राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र है, जहां पर बड़े बड़े वादों को यहां पर देखने को मिला है जनता के लिए और जनता को लुभाने का भरसक प्रयास कर लिया गया। हालांकि दोस्तों ये पता चल जाएगा 10 नवंबर 2020 को कि क्या आरजेडी से जनता रूठती है या फिर यहां पर पूरी तरह से आरजेडी की ओर आकर्षित जनता हो जाती है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी है। तो दोस्तों यदि आपको ये बिहार चुनाव 2020 के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में दिख रहे बेल आइकन को दबा दीजिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो है education.live.com पर विजिट कर सकते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।